भारतीय टीम इस समय श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला खेल रही है। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच की प्लेइंग 11 से कप्तान रोहित ने 2 स्टार खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है, जबकि ये प्लेयर शानदार फॉर्म में चल रहे थे। इस ऑलराउंडर को किया बाहर। तीसरे वनडे मैच की प्लेइंग 11 से कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को बाहर का रास्ता दिखाया है। उनकी जगह टीम में सूर्य कुमार यादव को मौका मिला है। हार्दिक पांड्या ने पहले वनडे मैच में 14 रन बनाए और 1 विकेट लिया। वहीं दूसरे वनडे मैच में उन्होंने 36 रन बनाए। वर्ल्ड कप की तैयारियों को देखते हुए कप्तान रोहित ने दूसरे खिलाड़ियों को मौका देने का फैसला किया है, जबकि हार्दिक शानदार फॉर्म में चल रहे थे। वह कातिलाना गेंदबाजी और धाकड़ बल्लेबाजी में माहिर प्लेयर हैं। उन्होंने भारत के लिए 68 वनडे मैचों में 1436 रन और 64 विकेट अपने नाम किए हैं। दूसरे वनडे मैच की प्लेइंग 11 में उमरान मलिक को मौका नहीं मिला है, जबकि वह बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों में 5 विकेट अपने नाम किए थे और अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करने में सफल रहे थे, लेकिन अब उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है। उमरान ने भारत के लिए 7 वनडे मैचों में 12 विकेट चटकाए हैं। भारतीय टीम का पलड़ा है भारी। भारत और श्रीलंका की टीमें वनडे फॉर्मेट में अब तक 163 बार आमने सामने हो चुकी हैं। भारत ने 94 वनडे मैचों में जीत हासिल की है, वहीं श्रीलंका टीम ने 57 मुकाबले जीते हैं। श्रीलंका टीम आज तक भारत में वनडे सीरीज नहीं जीत पाई है। वनडे क्रिकेट में भारत का श्रीलंका के ऊपर पलड़ा भारी है। भारत की प्लेइंग -11, रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, विकेट कीपर वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।